हेलो गाइस, क्या हालचाल। हम लोग आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू गेम के साथ में जिसका नाम है डायसन स्पेयर प्रोग्राम। तो गाइस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है और ये गेम हम पहले भी खेल चुके थे लेकिन अपने उतना ज़्यादा खेला नहीं था। और अब की बार ये सीरीज अपन स्टार्ट टू एंड कंप्लीट करने वाले हैं और इसके अंदर पहले के बाद में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स भी आ चुके हैं, तो गेम अभी काफ़ी काफ़ी चेंज भी हो चुका है। तो चलो भाई, अब ये अपन गेम शुरू करने वाले हैं। तो मैं तुमको ना इस गेम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें बेसिकली होता है क्या कि एक पूरा यूनिवर्स रहता है जिसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी और उनके अंदर अपने को जाना है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बिल्ड करनी है, वहाँ से रिसोर्सेज गैदर करना है और भी वहाँ पे बहुत कुछ होगा, जैसे डार्क पोग होगा जिससे अपन फाइट करेंगे। तो इसके अंदर ना अपन दो तरह के अपन गेम्स खेल पाएंगे, जैसे कि एक तो बिल्ड करने वाला फैक्ट्री बिल्डिंग गेम, दूसरा हो जाएगा फाइट। तो अपन यहाँ से एलियन से फाइट करेंगे। तो इसके अंदर जैसे कि फैक्टोरिया गेम है ना, थोड़ा वैसा ही है बट ये थोड़ा स्पेस के अंदर, और इसके अंदर एलियंस जो रहेंगे वो रहेगा डार्क फॉग, जिसके अंदर मशीनें आएंगी, ड्रोन्स आएंगी, जिससे अपने को फाइट करनी पड़ेगी और वो आके सबके सब अपनी भाई फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय भी करेंगे। तो अपने को एक बेटर डिफेंस भी बनाना पड़ेगा। तो ये गेम होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो ये वाली सीरीज आज अपना ये है पहला एपिसोड और अब भी अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है लेकिन यहाँ पे अपन इन सबको डिस्कस करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस बिल्कुल करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो भाई, अभी यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ गाइज सेट डेस्टिनेशन, तो अपन ने यहाँ पे न्यू गेम स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे अपन चल के और यहाँ पे एक क्लस्टर अपना बना सकते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ से रैंडम करके कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं अपने को किस तरह का चाहिए। तो इसके अंदर जितने भी डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये गैलेक्सीज हैं सारी की सारी और इनके अंदर भी प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे अपने को जाना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल कि यहाँ पे एम टाइप के कितने स्टार है, के टाइप, जी टाइप, और इस तरह से एक ब्लैक होल भी होगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रैंडम ट्राई करके देखता हूँ, जैसे कि इसके अंदर 5, 5, 18 ये मिल रहा है अपने को। इसके अंदर ना सीन ये है, रैंडम पे करते जाएंगे ना अपन तो ऑटोमेटिकली ये जो सीड है ना वो चेंज होता जाएगा और यहाँ पे जो है काफ़ी सारी गैलेक्सीज आती जाएंगी अपने पास। और मेरे को ट्राई करना है कि थोड़े ना गैलेक्सीज पास ही हो, ज़्यादा दूर नहीं हो, और इसके अंदर एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होती है देखा जाए तो। तो चलो ये वाला सेट रख लेते हैं। तो ये वाला पे अपन खेलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी सीन ये होएगा कि हर एक जितना भी अपन सेट करते हैं या क्रिएट करते हैं क्लस्टर, उसके अंदर ब्लैक होल जो एक ही रहेगा, बाकी बहुत सारे प्लैनेट्स रहेंगे। एंड इनके अंदर अपने को चलना है गाइज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार 64, जितने भी है ना ये 64 स्टार्स मैंने यहाँ पे कर ली, मतलब गैलेक्सी 64 अपनी हो जाएंगी। रिसोर्स मल्टीप्लायर, तो मैं इसको ना थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 1.5x तो एटलीस्ट कर ही देता हूँ इसको, और इससे होगा कि अपनी थोड़ी डिफिकल्टी है जो कम हो जाएगी। या फिर अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं गाइज 2x पे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी और अपनी कम हो जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज का थोड़ा सा सीन है। तो ऐसा रहेगा कि अपने पास रिसोर्सेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, मतलब 2x या फिर चलो 1.5x करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं ना, नहीं तो थोड़ी चीटिंग टाइप हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा सेटिंग चेंज नहीं करूँगा, थोड़ी थोड़ी अपन करेंगे यहाँ पे। तो डार्क फॉग पे चलते हैं गाइज, ये वाला नया आया है जिसके अंदर एनिमीज अपने ऊपर अटैक करने आएंगे। तो इसका सेटिंग्स मेरे को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, बाकी सब मैं नॉर्मल रख रहा हूँ, बस जो मैक्स डेंसिटी है ना गाइज यहाँ पे इसको अपन चेंज कर लेते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ गाइज एटलीस्ट 2x, मतलब मेरे को ज़्यादा चाहिए और इससे अपनी डिफिकल्टी जो इंक्रीज़ हो जाएगी वापस से। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसका मतलब ये रहेगा कि एवरी प्लेनेट पे जो अपने पास एनिमीज आएंगे ना उनकी जो मतलब वहाँ पे जो बेस रहेगा वो डबल रहेगा, और बाय डिफॉल्ट सिंगल रहता है तो मेरे को थोड़ा ना चैलेंज चाहिए गेम के अंदर, तो इसलिए मैंने डबल कराया। बाकी एक बार ये इसको ना एक्सपीरियंस करते हैं, फिर एक बार मैक्स डिफिकल्टी पे अपन ट्राई करेंगे। तो चलो भाई, ये अपना मस्त बन गया। अगर तुम भी अगर खेल रहे हो भाई ये गेम तो ये वाला क्लस्टर शीट डाल सकते हो, तो सारे सारे सेम ही प्लेनेट आएंगे तुम्हारे भी, एकदम सेम सेटिंग, ठीक है ना। सेटिंग्स अपन चेंज कर सकते हो तुम लोग बट क्लस्टर शीट सेम ही रहेगा ये वाला। तो चलो भाई, यहाँ पे चल के मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। The unknown created in exploration. The seed evolves in iteration. From zero, transforming into infinity and beyond. It spreads and becomes the shadow of the galaxy. The stars dim. You
will embark on a new journey. चलो गाइस, यहाँ पे अपना ट्यूटोरियल जो था स्टार्टिंग का, जो सिनेमैटिक था, वो खत्म हो चुका है। तो चलो भाई, यहाँ से अपना स्टार्ट होएगा 59 ट्राइंगुली थर्ड से। तो यहाँ से बेसिकली अपना जो गेम स्टार्ट होने वाला है, तो ये वाला जिस यूनिवर्स में है ना अपन, सॉरी जिस गैलेक्सी के अंदर अपन है, उसका ये एक प्लेनेट है जिसके ऊपर अभी अपन लैंड होने वाले हैं। Now you are about to arrive at the target planet. Triangle, right? Okay. चलो गाइज, यहाँ पे अपनी हो चुकी है गाइज लैंडिंग। तो मैं तुमको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये वाला जो है ना अपना प्लेनेट है, और ये वाली जो अपनी गैलेक्सी है पूरी की पूरी कंप्लीट, और ये वाली गैलेक्सी का नाम है 59 ट्राइंगुली, ठीक है ना। तो जो अभी अपन ने क्लस्टर शेड बनाया था ना, वो सारा का सारा ये वाला है। ये सारे प्लैनेट्स, मतलब जितनी भी गैलेक्सीज हैं सारी सारी, इन के अंदर अपन जा सकते हैं। और ये वाला अपना पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर अभी अपन खेलने वाले हैं। तो अगर यहाँ से अगर मैं जाना चाहूँ ना यहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से ना इसकी दूरी 7 लाइट ईयर दूर है। तो इनके लिए आगे चल के टेक्नोलॉजी आएंगी तभी अपन जा सकते हैं। फिलहाल तो अपन अपनी गैलेक्सी के अंदर ही जा सकते हैं। दूसरी वाली गैलेक्सी के अंदर जाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो अभी अपन फिलहाल थोड़ा सा प्लैनेट्स का ही देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, इसको ना एस्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे भाई ये है इक्रस, तो ये अपना रोबोट है, यूँ समझ लो आयरन मैन वाला रोबोट है ये वाला। तो बेसिकली यहाँ से अपने को शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे अपने पास रिसोर्सेज वगैरह सब हैं, तो यहाँ से अपन कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, फैक्ट्रियाँ बिल्ड करेंगे, फाइट करेंगे। और यहाँ पर फाइट करने के लिए कहीं ना कहीं पर होगा कुछ ना कुछ। तो जैसे कि ये रहा यहाँ पर, ये देख रहे हो यहाँ पर जे वाला, ये अपने ऊपर अटैक करने आएगा जैसे अपन फैक्ट्री वगैरह बनाएंगे। तो ये अभी अभी रिसेंटली अपडेट आया था, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये, इसलिए अपन ये वाली सीरीज स्टार्ट करने वाले। फिलहाल मैं यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे चल के ना इसको जो है अपन राइट क्लिक करते हैं ना, तो कुछ किसी चीज़ को भी मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं उसको। तो मैंने इस पर जस्ट राइट क्लिक कराया, देखते कितनी देर में ये जो क्लीन हो जाता है ये वाला। तो अपने को बेसिकली ये वाला जो पोर्ट निकाल लेना, इसके अंदर से अपने को कुछ रिसोर्सेज भी मिल जाएगा। चलो भाई, ये सब हो गया, ठीक है। अब ये सब मैं हटा देता हूँ, ये वाले ट्यूटोरियल्स मेरे को नहीं चाहिए, डन सीन। अभी अपने पास सीन क्या है कि ये वाले रोबोट्स को ना मैकस जो अपना है, इसको ना पावर वगैरह सब चाहिए रहती है। तो ये अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे अपने पास कुछ एक हाइड्रोजन फ्यूल रोड्स पड़ी हैं, जो कि लेट गेम में अपने को मिलने वाली हैं। अभी तो स्टार्टिंग में जस्ट अपने को 3 ही मिली हैं, बाकी रिसोर्सेज अपने पास थोड़ा सा। और अगर अपन सी प्रेस करेंगे तो ये मैका का पैनल है, जहाँ पे ये देख रहे हो यहाँ पे पावर वगैरह ये सब चार्ज करना पड़ेगा इसको यहाँ पे फ्यूल वगैरह डाल के। और ये फाइट करने के लिए एमओ वगैरह होएगा यहाँ पे, बाकी सारा का सारा ये दिखाया हुआ है कितनी एनर्जी वगैरह वो सब। तो अभी यहाँ पे चलते काम करते, जैसे कि ये वाले पेड़ पर राइट क्लिक कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से अपने को वुड मिल जाएगा। तो ये इन्वेंटरी के अंदर आ चुका है, अपन जाएंगे मैका के ऊपर और इसके अंदर क्लिक कर देंगे सिंपल। तो यहाँ से देख रहे हो चार्जिंग स्टार्ट हो गया है, तो इसके अंदर अपने को फ्यूल डालते रहना पड़ेगा इसको चार्ज करने के लिए। और अगर ये डिस हुआ, यहाँ से बैटरी इसकी अगर डिस्चार्ज हो गई, तो इसकी रफ्तार एकदम कीड़ी वाली हो जाएगी, मतलब बहुत ही स्लो चलेगा फिर ये, बहुत टाइम लग जाएगा पहुँचने में, कुछ भी बनाएगा नहीं है। तो चलो भाई, अभी मैं तुमको बता देता हूँ बेसिक। मैंने इसके अंदर ना ट्यूटोरियल सारे ऑफ कर दिए हैं, आई थिंक मेन वाले आएंगे, फालतू कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे को पता है कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, ये सारा का सारा गैदर करवाते हैं। तो शिफ्ट दबा के करेंगे ना क्लिक, तो मल्टीपल अपन इसको कमांड दे सकते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, इन सबको गैदर करता रहेगा, तो अपन बातें करेंगे ना इतने ही सब गैदर कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाली कॉपर बीन्स हैं, ये वाली सारी सारी कोल बीन्स हैं, ठीक है। इस तरह से अपन क्लिक करके देख सकते हैं। और इधर पड़ा हुआ गाइस अपने पास आयरन, तो ये 3-4 बेसिक रिसोर्सेज है। और यहाँ पे स्टोन बीन्स, और इनके अंदर दिखाता भी है किसके अंदर कितना रिसोर्सेज है। तो यहाँ से अपन गैदर करेंगे और उसके बाद बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। सो चलो अभी देखते हैं, अपने पास आई थिंक ये काफ़ी हो चुका है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं और इसके बाद इसके अंदर फिल कर देता हूँ, सार सार रख के क्या करूँगा मैं काम का। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, अभी अपने को नेक्स्ट करना क्या है एक्चुअली। तो अगर अपन यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास यहाँ कॉर्नर पे। एक तो था ये मैका वाला, जो कि सी प्रेस करके मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट शॉर्टकट की है इसका। एफ दबाएंगे तो रेप्लिकेटर आ जाता है, जिसके अंदर अपन रिसोर्सेज वगैरह बनाएंगे। फिर ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आ जाएगी ई दबाने से। और इसके बाद ये डिस्प्ले, अपने को क्या देखना है, पावर देखना है, ये बहुत सारे ऑप्शन है जो कि अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और ये स्टैटिक्स पैनल है, कितना क्या रिसोर्सेज बना रहे वो सब यहाँ पे दिखता है। तो ये तो एक था बेसिक सीन। यहाँ पे है स्पेस डार्क फॉग हाइव, तो ये है जो भाई स्पेस के अंदर है वहाँ पे कहीं पे, जहाँ पे मेन एनिमी है अपना वहाँ पे, ठीक है। और ये वाला था जो प्लेनेट पे था, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था इस साइड में, ये वाला।
तो यहाँ से इनका कनेक्शन वहाँ पे रहेगा और यहाँ से ही अपने ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो अभी इनका थोड़ा सा लंबा सिस्टम है, वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे आगे चल के, तो इन दोनों को हटा देता हूँ फिलहाल। अभी चलते हैं भाई, अभी ना कोई मस्त साइज स्पॉट ढूंढ लेता हूँ मैं। तो मैं देखना है मेरे को अपन है कहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे है ना हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा पीछे आते हैं और यहाँ पे ना एक अच्छा से स्पॉट फाइंड करते हैं जहाँ पे अपने को सारे सारे रिसोर्सेज मिल जाएँ, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला स्पॉट, यहाँ पे अपन बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास स्टोन भी है, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, फिर आयरन हो जाएगा, ठीक है ना। ये मल्टीपल रिसोर्सेज हैं अपने पास, तो यहाँ पे बीच में ही बिल्ड करना स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक गाइस यही बेस्ट आइडिया रहेगा अपने लिए। तो चलो अभी मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा इधर की साइड में जाने का, ठीक है ना। और इसके अंदर अभी अपन कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते, देख रहे हो अपना इक्रस भी बहुत ही स्लो स्लो चल रहा है भाई, क्योंकि रफ्तार वगैरह कुछ है नहीं अपने पास। सब कुछ बिल्ड करेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह रिसर्च करेंगे, अपग्रेड करेंगे अपने रोबोट को, ये वाले मैका को, तो धीरे धीरे सब होगा। तो अभी चलते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अपने को क्या करने का गाइस, यहाँ पे चल के थोड़ा सा रिसोर्स गैदर करवाता हूँ मैं। यहाँ पे चल के राइट क्लिक करते हैं तो ये गैदर करना स्टार्ट कर देगा। बाकी अपन थोड़ा सा प्लान करते भी क्या करना है। तो बीच में है गाइस ये वाला टेक्नोलॉजी ट्री, तो यहाँ पे ना टेक्नोलॉजीज हैं बहुत सारी जो अपने को रिसर्च वगैरह करनी है सारी की सारी, ठीक है। इन सबको टाइम लगेगा बहुत करने में, तो मैं जाता हूँ और एक को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सीन क्या है कि अपने को यहाँ पे चाहिए गाइस मैग्नेटिक कोइल। तो यहाँ पे अगर अपन चलें रेप्लिकेटर पे, तो ये रहा मैग्नेटिक कोइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा किस किस से बनेगा। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई अपने को मैग्नेट चाहिए दो और एक चाहिए कॉपर, ठीक है। इससे अपन बना लेंगे 10। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ से जो है बनाना स्टार्ट हम करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक बार क्लिक करूँगा ना, तो ये देख रहे हो बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो अपने पास कोइल्स दो आ चुकी हैं और दोनों की दोनों रिसर्च में भी यूज़ हो गई हैं। तो यहाँ से अपन क्लिक कर करके सारी सारी बनवा देता हूँ फटाफट से, लेट्स गो। अभी मेरे को कोइल्स चाहिए भाई, कोइल्स नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे को ज़रूरी नहीं है कि ये वाला सामान भी मैं बनवाऊँ, बस अगर इनका जहाँ से ये बनता है, जैसे कि ये बनाने के लिए ये चाहिए, अगर ये इन्वेंट्री में है अपने पास तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो मेरे पास ये 66 हो चुका है, ठीक है भाई बस करो, 66 इनफ है। रिसर्च भी अपनी हो चुकी है, थोड़ा सा ये करवाते गैदर, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो स्टार्टिंग में कोई भी सिमुलेशन गेम हो वो थोड़ा स्लो ही होता है, बाकी मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा और जहाँ पे मेरे को लगेगा कि भाई ये वाला पार्ट कट करना चाहिए तो मैं कट कर दूंगा, डोंट वरी। चलो गाइस मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा आयरन जो है गैदर कर लिया, अभी हमारे पास 100 से भी ज़्यादा हो चुका है। तो चलो अब इसके अलावा यहाँ से इसको मैं थोड़े से ये वाले गैदर करवा देता हूँ, थोड़े मल्टीपल टास्क दे देता हूँ। एक काम कर, तू ये सब गैदर कर भाई तब तक, ठीक है, ताकि थोड़ा अपने पास फ्यूल वगैरह आता रहे। तो ये सब मैं क्लियर करवा देता हूँ फटाफट से। अभी नेक्स्ट अपने को क्या करने का है गाइस, दोबारा चलते रिसर्च पे। तो ये वाली रिसर्च अपनी हो चुकी है, तो यहाँ पे अपने पास 3 चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो अभी अपन चलेंगे रेप्लिकेटर पे, तो जो जो अनलॉक करते जाएंगे अपन वो सारा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अपने पास 3 चीज़ें आ चुकी हैं, तो एक है अपने पास विंटरबाइन, दूसरा है अपने पास पावर पोल और तीसरा है अपने पास माइनिंग मशीन, जिससे अपन रिसोर्स माइन करवाएंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करने का गाइस कि एक तो ये बनवानी है एटलीस्ट, या फिर दो बनवाते हैं यार ये वाली, ठीक है, या फिर 3 बनवाते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि अपने पास 3 रिसोर्सेज है, तो तीनों के लिए एक एक बनवा लेते हैं। और आई थिंक 1, 2, 3 ये मशीनें बनवा लेता हूँ आई थिंक विंटर बाइंस। और अपने को चाहिए रहेंगे मे बी, इसको ना 5x पे कर लेता हूँ मैं, ताकि एक बार में 5-5 ऐड कर सकूँ मैं। और 10 पोल बनवा ले रहा हूँ मैं, इतना टास्क जो मैं करवा लेता हूँ और इसको कंप्लीट होने में लगेगा गाइस 137 सेकेंड। तो चलो 137 सेकेंड बाद मिलते हैं। सो यहाँ पे गाइस जितनी चीज़ें अपन ने बनवाई थी वो सारी सारी बस खत्म होने वाली, 5 सेकंड ही बचे हैं। तो ये लो भाई जितनी सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे बनवाई थी, देखो यहाँ पे पोल्स अपने पास 10 आ चुके हैं, 10-11 जितने पोल्स थे, और विंटर वाइन्स आ चुके हैं और यहाँ पे आ चुके हैं अपने पास माइनिंग मशीन। तो अभी अपन ने स्टार्टिंग में आगे क्या करा था कि यहाँ पे ना गैदर करा था राइट क्लिक दबा के, अभी अपने को वो करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे चलते हैं अपन कलेक्टिंग पे, और यहाँ पे अपने पास माइनिंग मशीन आ चुकी है जो कि अपन यहाँ पे बनवा सकते हैं एकदम मस्त। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको रोटेट करवा के और यहाँ पे सेट करवा देता हूँ, क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। तो मैका के अंदर कुछ बोर्ड्स रहते हैं जो बिल्ड करने का यहाँ पे काम करेंगे, और ये सब अपने को डिटेल देखना है तो अपन यहाँ से सी दबा के देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रोन, ठीक है। तो मैका के अंदर फिलहाल अपने पास जो ड्रोन्स है ना गाइज वो 3 ही ड्रोन्स हैं, बाकी अपन रिसर्च करेंगे तो अपने पास और भी ज़्यादा अनलॉक हो जाएंगे। बाकी इन सब की स्पीड भी रहती है, उल्टा मैका की स्पीड रहती है, ये सब पावर वगैरह ये सब अपग्रेड करने से जो एक्सपेंड होएगा अपना। तो चलो अभी फिलहाल मैका की स्पीड भी यहाँ पे दिखाई हुई है 6 जो भी माइल्स पर सेकंड दिखाई हुई है रफ्तार यहाँ पे। तो चलो भाई एक अपनी यहाँ पे मशीन बन चुकी है, नेक्स्ट भी अपने को क्या करने का है, यहाँ पे भी एक मशीन बनवानी है ताकि अपने को ना गैदर तो ना करना पड़े भाई एटलीस्ट मेरे को, ठीक है, ताकि अपनी मशीन जो अपने लिए गैदर करेंगी। ऑल्सो यहाँ पे भी चलते हैं, स्टोन पे भी चलते हैं और यहाँ पे भी चल के जो है मैं एक मशीन जो है बनवा देता हूँ इधर, ठीक है।
चलो भैया मल्टीपल यहाँ पे मैंने बनवा दिए। अब इन सबको ना गाइस चलने के लिए पावर भी चाहिए, जो कि पावर अपने को मिलेगी विंड टर्बाइन से। तो यहाँ पे अगर अपन चल के देखें गाइस, तो ये वाला जो प्लेनेट है अपना, ये वाला ठीक है, इसके ऊपर वैसे यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक्सप्लोरेशन लेवल 1, अपने को रिसर्च चाहिए, फिर अपन सारी चीज़ें देख सकते हैं किसी किस प्लेनेट के ऊपर कितना रिसोर्सेज है वो सब। भाई फिलहाल दिखा नहीं रहा तो मैं तुम बाद में दिखा दूंगा। खैर तो यहाँ पे चलते हैं, एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिर एक यहाँ पे बना देते हैं, नेक्स्ट हेयर 3 और मे बी एक यहाँ पे डाल देता हूँ। 4 मैंने बनवाए थे, चारों मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और किसी के ऊपर भी अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल अपन कितना जो पावर जनरेट करवा रहे हैं, 1.20 मेगावाट जो पावर अपन जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ताकि इसके अंदर भी अपनी पावर आ जाएगी। फिर अपन चलेंगे थोड़ा सा आगे मे बी, या थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना, यहाँ से कवर हो जाएगी। तो ये पोल देख रहे हो यहाँ से कनेक्टेड है, तो दिखता है यहाँ से ये जो ये वाला लाइन दिख रही है ना, मतलब कनेक्टेड एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से अभी इन मशीनों ने जो गैदर करना स्टार्ट कर दिया, देख रहे हो यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से क्लिक करके सीधा उठा सकता हूँ, इन्वेंटरी के अंदर आ जाएगा, जैसे 94 हो गया, फिर 98 हो गया, ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर क्लिक करके उठा सकते हैं। तो ये अपने लिए ईजी हो जाएगा, अपने को बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई एक अचीवमेंट भी अपने को मिल चुका है, लेट्स गो। और ये वाले को क्या हुआ है, यहाँ पर पावर नहीं आ रही क्या है, पास में ही तो था भाई वो। चलो कोई ना, एक पोल बना देते हैं यहाँ पे पास में। तो ये लो भाई, अब यहाँ से स्टोन भी गाइस गैदर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था अपना स्टार्टिंग का टास्क जो अपन ने गाइस कर लिया है कंप्लीट। और जैसे जैसे अपन बिल्ड करते जाएंगे तो यहाँ पे थ्रेट है जो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ही 9600 हो जाएगा, या वहाँ से ना एलियंस आएंगे अपने ऊपर अटैक करने और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, उससे पहले अपने को डिफेंस अपना बनाना पड़ेगा। तो चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट टास्क जो है क्या, अपना रिसर्च पर चलते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले चलेंगे ऊपर बेसिक लॉजिस्टिक सिस्टम पे, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं अपने को गियर चाहिए प्लस सर्किट बोर्ड चाहिए, 10-10 चाहिए दोनों ही। तो चलो भाई अब रेप्लिकेटर पे चल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे गियर्स पड़े क्या, मैं 10 गियर्स बना सकता हूँ या 77 बना सकते गए अपन यहाँ पे। तो मैं एटलीस्ट 5x करता हूँ, दो बार क्लिक करेंगे अपन 10 गियर्स बन जाएंगे जो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ऑल्सो अपने को सर्किट बोर्ड पे 5x कर लेते हैं और दो बार दबाएंगे तो यहाँ पे सर्किट बोर्ड भी बन जाएंगे। बाय द वे सर्किट बोर्ड इसने 20 बना दिए क्या, अच्छा ये दो डबल बनता है ना, ओके। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ये डबल बन रहा है तो फिर इसका भी डबल हो जाएगा, और ये सिंगल बन रहा था तो फिर सिंगल का सिंगल रहेगा, वो मैंने ध्यान दिया नहीं। चलो कोई ना, एक्स्ट्रा बन जाएगा अपने पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो थोड़ी देर में 30 सेकंड लगेगा और ये सब बन के एकदम रेडी होने वाला है इस फटाफट से। और अभी ऐसा करते हैं कि हम लोग जो रेप्लिकेटर है ना अपना, इसको स्टार्ट ही रखते भाई, कुछ ना कुछ इससे बनवाते रहते हैं एडवांस में। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और आई थिंक थोड़ा एडवांस में डाल देता हूँ, इसके लिए भी थोड़े एडवांस में ऐड करवा देते हैं। अब चलो भाई कौन सा रिसोर्सेज नहीं है अपने पास, जो नहीं है वही क्लिक करके यहाँ से सीधा मशीन के ऊपर कंट्रोल क्लिक करेंगे तो अपन वहाँ से सीधा कलेक्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज। तो मैं बीच में खड़े हो जाता हूँ, सबसे कलेक्ट करता रहता हूँ और यहाँ पे बैठा बैठा बनाता रहता हूँ रिसोर्सेज। तो स्टार्टिंग में यही एक रास्ता है जिससे अपन सर्वाइव करके आगे तक जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई यहाँ पे अपनी रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, नाइस, फाइनली बेसिक लॉजिस्टिक सिस्टम जो अपना कंप्लीट हो चुका है, ओके कर लेते हैं। अब अपने पास और भी बहुत कुछ आ चुका है यहाँ पे, एक तो अपने पास कन्वेयर बेल्ट्स आ चुकी हैं, दूसरा सोल्डर आ चुका है, इसके बाद में अपने पास स्टोरेज आ चुकी है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी अपन बात करेंगे धीरे धीरे, बाकी सब उठा लेता हूँ मैं। यहाँ पे चलते रिसर्च, फिर से रिसर्च पे हम लोग चलेंगे, और अब की बार ये वाले भी नहीं चलेंगे क्योंकि इसके लिए ना ब्लू क्यूब चाहिए अपने को, ब्लू वाले रिसर्च चाहिए, वो जो अपने को अभी करनी नहीं है। यहाँ पर चलते हैं और आई थिंक ये सब अनलॉक करवा लेता हूँ, इसको एक्टिवेट करते हैं। और ये सब मेरे पास पड़ा ही है भाई ऑलरेडी, बस मेरे पास ये नहीं है। तो ये रिंग्स मैग्नेटिक कोयल है ना जो, ये भी बनवा देता हूँ मैं थोड़ी सी। तो गाइस इन सबको ना मैं थोड़ा सा बनवा लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, थोड़ा सीन है यू नो, अगर तुम भी खेल रहे हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा यू नो समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये चीज़ें मैं तुमको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना स्किप भी कर दूंगा मैं, ताकि अपना ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा। सो यहाँ पे गाइस अपनी होने वाली रिसर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो ये लो भाई ये वाली रिसर्च हो गई है यहाँ पे डन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेटल और जो भी था ये वाली रिसर्च अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर अपने को काफ़ी कुछ मिला है। तो यहाँ पे चलते हैं, ओके सो एक सेकेंड, यहाँ पे ये आर्क स्मेल्टर अपने पास आया है जिसके अंदर अपनी स्मेल्टिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फिर से अपन चलेंगे और देखते हैं व्हाट्स द नेक्स्ट, नीचे क्या है। ये वाला मैं अनलॉक करवा लेता हूँ ताकि अपने पास ये क्यूब्स वगैरह ये सब अनलॉक हो जाएँ, तो इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर से अपने को 10-10 देना पड़ेगा जो कि अपने पास है। तो चलो भाई अभी नेक्स्ट प्लान क्या है अपना, कि जैसे अपने को ना इंगट वगैरह बनाने होते हैं, अगर मैं रेप्लिकेटर पे चल के दिखाऊं, जैसे ये वाला बनेगा ना इंगट, तो ये सब यहाँ से अपने को रेप्लिकेटर से बनवाने की ज़रूरत नहीं बार बार,
अपन यहाँ पे फैक्ट्री सेट कर सकते हैं जिसके अंदर अपने लिए इंगट्स वगैरह सब बनेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो भाई अपने को कन्वेयर बेल्ट्स भी बनवानी पड़ेंगे, और कन्वेयर बेल्ट को बनवाने के लिए अपने को ये देख रहे इंगट्स चाहिए और गियर्स चाहिए। तो मैं इसको भी ऐसा ही करता हूँ, आई थिंक 5 पे करके और थोड़ी एक्स्ट्रा डाल देता हूँ ताकि अपने पास यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट जो एक्स्ट्रा ही बनती रहे भाई, एटलीस्ट रेप्लिकेटर अपना रुके ना, ठीक है ना, ये सब सीन अपना चलता रहे। ऑल्सो यहाँ पे भी थोड़ा सा 5x करके इसको भी बना देता हूँ, थोड़े से आई थिंक ये भी बना लेते हैं तनसीन। तो अपने पास थोड़ी सी आयरन कमी पड़ रही है, ठीक है आयरन उठा लो भाई यहाँ से। रिसर्च अपनी नेक्स्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो रिसर्च वगैरह अपने को चालू ही रखनी है जो जो अपने को मिलता जा रहा है एटलीस्ट। तो चलो ये वाला एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके तो अपने को गियर चाहिए और ये सब चाहिए, ठीक है। तो वापस से चलते इधर, यहाँ पे अपन बनवाते हैं गियर्स, कितने चाहिए थे, 10 चाहिए था ना, एक काम करो 20 बना दो गियर्स। उसके बाद में सर्किट बोर्ड अपने को चाहिए भाई 10-20, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इन सबको सेट होने में, मीन वाइल अपन यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, कन्वेयर बेल्ट अपने पास काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पे अपने सीन क्या करना है कि इसके अंदर से अपने को क्लिक करना है और कन्वेयर बेल्ट लेके आनी बाहर, समथिंग लाइक दिस। तो जो अपने ड्रोन्स हैं वो सब बना देंगे, तो एक बार में एक सेगमेंट ही बना सकते हैं ड्रोन्स ये वाले। वापस अपने मेका पे आएंगे, फिर से अपन यहाँ से मतलब चार्ज वगैरह होंगे वो, और जो इतना भी सामान है वो यहाँ से उठाएंगे और फिर से बिल्ड करने जाएंगे। तो ये सीन चलेगा यहाँ पे, तो एक बार में एक ही सेक्शन बिल्ड करेगा, ये वापस आएगा फिर से रिसोर्स लेगा चार्ज करेगा अपने आपको, फिर से जाएगा। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा और यहाँ पर जो अपनी कन्वेयर लाइन जो बन जाएगी। तो यहाँ पर एक लाइन बन चुकी है अपनी, और यहाँ से जो रिसोर्सेज निकल के आना भी स्टार्ट हो चुका है, और इसके ऊपर अपन क्लिक करके देख भी सकते हैं कि ये कितना निकाल रहा है, 180 पर मिनट जो है यहाँ से प्रोडक्शन अपना निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, और ये है अपना स्मेल्टर। तो यहाँ पे चल के अपन स्मेल्टर बनाएंगे, जैसे कि अपन बना सकते हैं स्मेल्टर में भी, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ एक स्मेल्टर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया मैंने एक स्मेल्टर। तो अभी सीन क्या होगा, इसको ना एक तो चलने के लिए पावर चाहिए, दूसरा कन्वेयर लाइन से इसके अंदर भी अपन अटैच करवा सकते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे अपन, सॉरी यहाँ पे, तो ये है भाई सोल्डर MK1। तो MK1, MK2, MK3 इस तरह से आते जाएंगे आगे चल के, जिनकी रफ्तार फास्ट होएगी। तो अपन सीधा यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट क्लिक करेंगे और इसके अंदर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जो कनेक्शन बन जाएगा किसी भी बिल्डिंग के ना, ये देख रहे हो जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ना वाइट, वहाँ वहाँ पे अपन कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, बट कन्वेयर लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और इन दोनों को चलने के लिए पावर भी चाहिए अपने को। तो यहाँ पर आते हैं और आई थिंक यहीं पे बनवा देता हूँ। इसका ना एक रेंज है जहाँ जहाँ तक यू नो दिखाई देगा कहाँ कहाँ तक पावर ट्रांसफ़र हो सकती है, तो मैं एक यहाँ पे बनवा देता हूँ। चलो भाई यहाँ पे पावर आ चुकी है, तो इसके ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे अपने को चल के रेसिपी भी डालनी पड़ेगी। तो रेसिपी डालते हैं अपन आयरन इंगट, क्योंकि यहाँ से आयरन आ रहा है ना, तो आयरन से आयरन इंगट ही बनेगा, कॉपर से कॉपर इंगट बनेगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, लेट्स गो। तो आज का वीडियो अपना शुरू का है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी आने वाले टाइम में इतना सब एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपन, फिर अपन थोड़ा एकदम फास्ट करेंगे, ठीक है, फटाफट से। तो चलो यहाँ पे अभी बिल्ड होना स्टार्ट हो चुके, देख रहे हो यहाँ पे प्लेट्स बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे को बार बार रेप्लिकेटर के अंदर बनवाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन यहीं से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट अपने क्या करने का है, जितना भी अपन यहाँ पर रिसोर्सेज बनाएंगे ना, उसको यहाँ से आगे भी लेके जाना है। तो मैं इसके पीछे एक लाइन और बना लेता हूँ इधर तक, और ऐसा करते हैं आपकी बार जैसे ही सब बिल्ड हो जाएगा, यहाँ से पकड़ के इसको बाहर भी निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्शन अपने को ध्यान रखना है, यहाँ से पकड़ के इन करूँगा तो रिसोर्सेज इन जाएगा, और अंदर से पकड़ के बाहर लाऊंगा तो रिसोर्सेज बाहर आ जाएगा, ठीक है, सीन डन। तो यहाँ पे एक स्मेल्टर जो है ना यहाँ पे बन चुका है, जो कि अपने लिए इंगट बना रहा है। तो यूँ समझ लो सेटिस्फैक्ट्री खेल रहे हम लोग, बस थोड़े से कम एरिया में, ठीक है ना। तो ये सीन है इसके अंदर, अभी ये सेट हो गया। इसी तरह से अपन मल्टीपल भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगर मैं इसके ऊपर शिफ्ट करके क्लिक करूँगा तो ये इसको कॉपी कर सकता हूँ मैं, फिर यहाँ पे रख देंगे एक इसी तरह से, अब ना जो प्रोडक्शन डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो ये सीन तो था यहाँ का थोड़ा सा, अभी अपन नेक्स्ट क्या करने वाले, यहाँ पे चल के स्टोरेज अपन एक बनवा लेते हैं, 1-2-3 स्टोरेज बनवा लेता हूँ, क्योंकि 3 प्रोडक्ट हम बनाएंगे और तीनों को स्टोर भी करवाएंगे। तो यहाँ पे जल्दी 3 स्टोरेज अपनी बन जाएंगी, और नेक्स्ट रिसर्च भी अपनी यहाँ पे होने वाली है। ये लो भाई नेक्स्ट रिसर्च अपनी ऑल्सो कंप्लीट हो चुकी है, बढ़िया। अभी नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं और क्या अपने पास। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ही चलते हैं अपन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, नहीं इसको ये क्यूब्स चाहिए गए, ठीक है। अभी अपने पास क्यूब्स नहीं है, तो ये सब को बनाने के लिए अपने को क्यूब्स चाहिए, इधर भी क्यूब्स चाहिए, इधर भी क्यूब्स चाहिए, मतलब अभी क्यूब्स का ही काम आने वाला है। बाकी सारा सीन अपन ने डन कर दिया लग रहा है मेरे को, एक बार इन सब पे क्लिक कर करके देख लेते हैं, मतलब अभी क्यूब्स चाहिए, ठीक है।
तो एक तो ना मैका की एनर्जी खत्म हो रही, तो अपने को चल के यहाँ पे रिसोर्सेज डालना पड़ेगा फ्यूल, तो लॉक्स डाल देता हूँ यहाँ पे ताकि मैका अपना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अपने पास पावर तो आ चुकी है लेकिन मैका चार्ज नहीं हो सकता अभी। अपने को टेक्नोलॉजी फाइंड करनी पड़ेगी जिससे अपन मैका को चार्ज कर सकें, तो फिलहाल अपने पास सिस्टम है नहीं जिससे अपन चार्ज कर पाएँ। अभी चलते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर ना टेक्नोलॉजी है फिर अपग्रेड्स हैं। अपग्रेड्स के अंदर मोस्टली ऐसा होगा कि जितना भी मैका का है ना रिसर्च वो सब है, तो मैं अपग्रेड्स पे चलता हूँ। और यहाँ पे है भाई यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन, जो कि मेरे पास क्यूब्स नहीं है तो नहीं कर सकते हम लोग। मैका कोर, यस, तो यहाँ पे दिखाया होगा गाइस, इससे ना 80 मेगा जूल मैक्स कोर की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कोर की इंक्रीज हो जाएगी एनर्जी 80 मेगा जूल तक, और ड्यूरेबिलिटी 300 इंक्रीज हो जाएगी। मेका लेज़र वेपन रेंज 1+1 meter जो भी है ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो दोनों को 20-20 चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं रेप्लिकेटर के अंदर, और आई थिंक अपने पास क्या नहीं है, ये नहीं है शायद से, इसको 5x कर लेते हैं, और ये भी मैं बनवा देता हूँ, थोड़ा सा 20 ही बनवा लेते हैं आई थिंक, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे अपने पास पढ़ाई है, इनके ऊपर क्लिक करके यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलो भाई यहाँ से अपना देख रहे हो अभी यहाँ पे कितना 70-80 कितना था ये टोटल इसका, 90 आई थिंक 100 से ज़्यादा था ना, 120 कुछ था शायद से, अभी वो इंक्रीज हो गया है यहाँ से। एक बार यहाँ से देख लेंगे ना ये फुल चार्ज होएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, उसके अंदर मतलब 80 ऐड हो जाएगा जितना भी टोटल था यहाँ पे। अभी मेरे को याद नहीं शायद से 120 था कितना था ये, तो उसके अंदर प्लस 80 ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सा काम अपना डन हो चुका है, तो बाकी की चीज़ भी अपन स्टार्ट करवाएंगे। तो मैं मीन वाइल क्या करता हूँ कि जैसे अपन इसका सेटअप करें ना गाइस, नेक्स्ट का सेटअप भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक काम करते, इधर चलते स्टोरेज पे, और ताकि जितने बन रहे हैं रिसोर्सेज चालू रहे और स्टोरेज के अंदर ऐड करवा देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक मार देते हैं ताकि ज़्यादा ये रिसोर्सेज यहाँ पे आके होल्ड ना हो। एटलीस्ट 3 स्टैक्स अपन यहाँ पे रख लेते हैं, इतना स्टोर यहाँ पे हो सकता है। और इसको चाहिए भाई पावर, तो यहाँ पे थोड़ी सी पावर जो एक्सपेंड करवा देंगे हम लोग, एटलीस्ट इसको रख देता हूँ यहाँ पे कहीं पर, ठीक है। चलो भाई अब इसके अंदर ना देखो रिसोर्सेज स्टोर होना भी स्टार्ट हो जाएगा, नाइस। तो अपने पास एक्स्ट्रा यहाँ पे बनता रहेगा, अपने को बार बार ये चीज़ें नहीं बनवानी पड़ेंगी। अभी सेम टू सेम इसके लिए अपन ये सेटअप करने वाले, सो लेट्स गो। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है सेटअप कर दिया है, अभी यहाँ पे चल के अपन और सेट कर देंगे कॉपर इंगट पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से बन के आना स्टार्ट हो जाएगा, और एट द एंड अपन एक दे देंगे स्टोरेज जो कि रहेगी ज़बरदस्त। अभी यूँ समझ लो इंगट का ऑटोमेशन अपना स्टार्ट हो चुका है। तो चलो भाई इसके भी मेरे को 3 स्टैक्स ही चाहिए, डन सीन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को, जैसे कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ तो अपन ने बना ली, दूसरा गियर्स, तो गियर्स को बनाने में टाइम भी लगता है। अभी देख रहो सिर्फ यहाँ पे गियर्स ही बनेंगे, बाकी अपने इन्वेंट्री के अंदर से रिसोर्स कंज्यूम हो जाएगा, तो उतना ही फास्ट अपन काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सीन हो गया यहाँ पे। अभी मेरे को जाने का है गाइस कहाँ पे, वापस से इधर जाने का, और जिस भी मतलब जैसे अपने पास ये बिल्डिंग है तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे आ रहा है एक, तो मतलब अपने पास ये वाली एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक भी नहीं, तो मतलब है ही नहीं। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके सीधा रेप्लिकेटर के अंदर अपन इसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर चल के अपन बनवा सकते हैं जितना भी अपने को बनवाना है यहाँ पे क्लिक कर करके। टोटल 6 बना सकते हैं इतना रिसोर्सेज अपने पास इन्वेंट्री में। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स दिखाएगा, प्लस यहाँ पे इन्वेंट्री में कितना सामान है वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। जो यहाँ पे थ्रेट का लेवल है गाइज वो हो चुका है 25%, और अपन ने अभी तक प्रोग्रेस कराई नहीं सही से। तो चलो भाई थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं। तो अपने पास थोड़ी सी मशीनें आ चुकी है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ना एटलीस्ट डबल करवा देता हूँ, डन सीन। इतना कर लेते ताकि फटाफट से अपने पास रिसोर्सेज वगैरह आ जाए, और इसको 4 करते हैं, इसको भी 4 करते हैं, काम करते हैं। चलो भाई ये सब उठा लो, ये सब भी उठा लो। तो अभी नेक्स्ट अपने को क्या करना है कि अपने को ना फटाफट से रिसर्च करके और आगे तक जाने का, ठीक है। इसके अंदर क्या चाहिए, नहीं उधर नहीं जाना अपने को, यहाँ पे ये सब चाहिए, यहाँ पे भी ये सब चाहिए, क्या ये सब है मेरे पास, मेरे को लगता नहीं ये सब अभी होगा मेरे पास। ओके तो ये काफ़ी एडवांस रिसर्च आ चुके हैं, ठीक है वापस आ जाते भाई, थोड़ा नीचे चलते अभी। और यहाँ पर कहीं पर होगा वेपन सिस्टम, तो वेपन सिस्टम एक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि जल्दी अपने ऊपर अटैक होएगा ना, तो वेपन ही अपने घाम में आने वाले भाई, ठीक है ना। तो अभी अपने क्या करना है कि ब्लू क्यूब्स बनाने हैं, तो यहाँ पे चलते हैं रेप्लिकेटर पे, और यहाँ पे कहीं पे ब्लू क्यूब्स होगा इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए अपने को 2 चीज़ें चाहिए, मैग्नेटिक कोईल और सर्किट बोर्ड। तो अभी अपन चल के सर्किट बोर्ड बनवाते हैं फिर मैग्नेटिक कोईल बनवाएंगे। तो सर्किट बोर्ड को बनवाने के लिए 2 प्रोडक्ट चाहिए, इंगट और कॉपर। तो चलो भाई अपने पास दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुके हैं, तो नेक्स्ट अपने क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लेके आना है। तो चलो भाई आई थिंक यहाँ पे आ ही रहा था अपने पास रिसोर्सेज, ठीक है। इसी को आगे तक मैं एक्सपेंड करवा लेता हूँ, मे बी यहाँ तक करवा लेते हैं एक्सपेंड, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे भी आ रहे हैं रिसोर्सेज, तो इसको लेते हैं यहाँ पे, और इसको इधर लेके चलेंगे, और इसको लेके आएंगे यहाँ पे। तो थोड़े से टाइम में ये सब बिल्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पे चल के अपन ये वाली जो फैक्ट्रीज है और बनवा लेते थोड़ी सी,
क्योंकि इनके अंदर भी रिसोर्सेज बनेंगे नेक्स्ट वाले, तो इनको थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं। चलो ये सब मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे पता करना है। यहाँ पे चलेंगे अगर अपन, तो जैसे ये वाला है तो ये वाला रिसर्च फैसिलिटी के अंदर बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और सर्किट बोर्ड किसके अंदर बनेगा? असेंबलर के अंदर बनेगा, और असेंबलर है ये वाला, ठीक है। ये वाला स्मेल्टर है, ये वाला असेंबलर है। तो इसी तरह से सारी सारी मशीनें हैं। चलो भाई फटाफट से बिल्ड कर दो अपने बोर्ड्स। अभी स्टार्टिंग में यार बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है भाई, बहुत ही स्लो है। और मेन वाइल मेरे को ना थोड़ी सी पावर भी इंक्रीज करवाने की है, तो मैं ये सब भी बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि अपना पावर प्रोडक्शन जो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। लेट्स गो, आई थिंक इसको बनाते हैं यहाँ पे कहीं पे। पानी के ऊपर फिलहाल मैं बना नहीं सकता हूँ। चलो भाई नेक्स्ट अपन यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे दिखा रहा है ग्रिड लोड 82%, ठीक है। तो मतलब अपना जनरेशन कैपेसिटी भाई वो 3 मेगावाट है, और कंजप्शन जो अपना 2 पॉइंट समथिंग मेगावाट अभी चल रहा है। तो अपने को पावर वगैरह पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वो थोड़े से ये भी बनवा लेता हूँ। आई थिंक मेरे को ये सब चाहिए क्या? मेरे को चाहिए आई थिंक ये वाला थोड़ा सा आइटम चाहिए, थोड़ा सा गैदर कर लेते हैं हम लोग। चलो भाई यहाँ पे अपने पास दोनों रिसोर्सेज आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे चल के अब मैं थोड़ा सा रिसोर्सेज बनवा देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे अपन एक असेंबलर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले को हम कॉपी मार लेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और सर्किट बोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पे सर्किट बोर्ड बनवाने का बेसिकली। और अभी चलेंगे अपन आई थिंक यहाँ पे, और यहाँ से पकड़ के इसके अंदर, और यहाँ से पकड़ के इसके अंदर, ठीक है। तो दूसरी लाइन से भी मैंने अंदर करवा दिया, और फर्स्ट से भी अंदर करवा दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे सर्किट बोर्ड अभी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा पावर की कमी पड़ रही है यहाँ पे, तो पावर का पोल आई थिंक यहाँ पे मैं डलवा दूँ तो कनेक्ट हो जाएगा। नाइस, इसके पीछे से अपने को एक लाइन भी निकालने की भाई। तो यहाँ से जो अपनी लाइन निकल जाएगी आगे की साइड में, ये लो भाई। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो निकल के बाहर भी आ जाएगा। और नहीं, ज़्यादा दूर बनवा दिया बाय द वे गलती से मैंने, सॉरी। अरे भाई डिलीट करने का भाई मेरे को, डिलीट 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 प्लीज़। थोड़ा पास में बनवाते, दूर बनवा के कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ऑल्सो पावर पोल भी अपने को ऐसा ही करना पड़ेगा, पावर पोल को पास में करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा ज़्यादा ही पास में आ रखा है, ओके। इसको भी डिलीट करो भाई, और ये वापस से मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी एकदम मस्त सेट हो गया। चलो भाई इसको भी यहाँ से पकड़ के लेके आते बार, और यहाँ पे अपने सर्किट बोर्ड बन जाएंगे। नाइस, तो ये पे थोड़ा सा ऑटोमेशन अपने यहाँ पे हो चुका है। अभी नेक्स्ट अपने को क्या करने का था, क्यूब्स बनाने के लिए यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक कोइल और बनाने के गए। तो मैग्नेटिक कोइल को बनाने के लिए अपने पास एक तो कॉपर है जो कि है, दूसरा ये वाला चाहिए मैग्नेट चाहिए जो कि अपना बनेगा आयरन ओर से, ठीक है। चलो भाई तो यहाँ से अपन बेसिकली निकाल ही रहे हैं रिसोर्सेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं काम करता हूँ मैग्नेट यहाँ से बनवा लेते हैं। अपने पास एक पैच यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो सिंपल अपन यहाँ पे चलेंगे माइनिंग पे, एक माइनर यहाँ पे लगा देंगे, इजी। चलो भाई अभी थोड़ा सा ये सभी बनवा दो भाई, रुकना नहीं है भाई, इसको बनाते रहो भाई तुम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे इस साइड में भी यहाँ तक, ठीक है। आई थिंक हाँ ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। और इसको फिर अपन थोड़ा सा इस साइड में लेके जाएंगे, पता नहीं मे बी, बट फिलहाल मैं इसको यहीं पर रख लेता हूँ। और मेरे को यहाँ पे जाने का और स्मेल्टर बनाने के गाइस यहाँ पे भी, तो यहाँ पे वन क्लिक कर लेते हैं। दूसरा मेरे को कन्वेयर लाइन इसके पीछे से भी लेके जानी है आगे एक साइड में, फिर देखते हैं आगे कहाँ पे लेके जाएंगे अपन। फिलहाल इसको इसके अंदर देते हैं और इसको यहाँ पे, ठीक है। बाकी पावर लेके आनी है यहाँ पे, तो पावर भी हम ले आएंगे। ऑल्सो ये रहेगा अपना पावर पोल यहाँ पे, और एक हो जाएगा मे बी जहाँ पे कहीं पे। तो पावर अपनी कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से रिसोर्स भी आना, रिसोर्सेज आने स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नेट पे सेलेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, डन सीन। तो यहाँ से अपने मैग्नेट्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपने पास मैग्नेट्स बन चुके हैं, और क्या क्या बनाना था मेरे को, अच्छा मैग्नेट और इन दोनों को मिला के मैग्नेटिक कोइल बनाने की, ठीक है। चलो भाई अभी अपने को थोड़ा सा सेटअप और करने का है, तो मैं एक काम करता हूँ इसके अपोजिट साइड करवा लेता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ से अपना दूसरा रिसोर्सेज चला जाएगा, ठीक है। और फिर अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसके सीध में अपन यहाँ पे एक असेंबलर बनवा लेंगे, और इसके आगे से अपने चले जाएंगे दो रिसोर्सेज। तो ये सिंपल सा जो सेटअप अपना बन के रेडी हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा अपना यहाँ से इसके अंदर, ठीक है, और ये वाला चला जाएगा इसके अंदर। अच्छा वैसे यार अपने पास अभी तक स्प्लिटर तो आया ही नहीं होगा ना, इसको स्प्लिट नहीं करवा सकते अपन, तो इसके अंदर थोड़ा सा सीन है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा एक्चुअली।
और ये वाली लाइन को उधर कंटिन्यू रखता हूँ भाई मैं, इधर कंटिन्यू रखते इसको। तो यहाँ पे अपन कैसे लेके आएंगे रिसोर्सेज, यहाँ से उठा के साइड में लाना पड़ेगा। तो इधर से इसको भी बनवा दो ज़रा, ठीक है, यहाँ से उठा के इसके ऊपर ले आऊँगा मैं। तो यहाँ से कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आता जाएगा जब तक कि अपने पास यू नो स्प्लिटर वगैरह नहीं आ जाता। तो यहाँ से अपन रिसोर्सेज इस तरफ निकाल लेंगे थोड़ा सा। चलो भाई अभी इसके ऊपर चल के मेरे को रेसिपी सेलेक्ट करने की, मैग्नेटिक कोयल सेलेक्ट, बस लास्ट कनेक्ट करने का, ये सब अपने को वन सेकेंड, और इसको भी बाहर निकालने का अपने को इस साइड में। चलो भाई ये लो गाइज, यहाँ पे मल्टीपल टास्क अपने हो चुके हैं, बस अपने को अभी इन सबको ना इंक्रीज़ करने का है। तो मेरे पास दो फैसिलिटी हैं तो मैं इसको डबल करवा सकता हूँ अभी के अभी। वन क्लिक हेयर, वन क्लिक हेयर, ठीक है। और अपने पास मैके के अंदर अपने पास कुछ है नहीं, ठीक है, और थ्रेट अपना इंक्रीज होते जा रहा है गाइज, तो अपने को फटाफट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे अपने पास फैसिलिटी जिसके अंदर गाइज यहाँ पे जो है वो बन रिसर्च वगैरह होगी, ठीक है, मतलब क्यूब्स वगैरह बनेंगे। तो यहाँ पे चलते फटाफट से। और वैसे देखा जाए तो यार मैं खुद से भी क्यूब बना सकता हूँ क्या, एक सेकेंड, हाँ मैं खुद से बना सकता हूँ। तो फटाफट क्यूब बनाते भाई, 20 बना लेते गाइज, फिर बाद में फैसिलिटी का सेटअप करेंगे अपन। 70 और 5 22, ठीक है, आई थिंक इतने क्यूब्स इनफ रहेंगे। फिर बाद में अपने को एमओ वगैरह भी बनाना पड़ेगा, लेट्स गो। क्योंकि यहाँ पे थ्रेट देख रहे हो 81% पहुँच चुके हैं, अपने ऊपर हमला भी होने वाला है, तो मेरे को प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए फटाफट से। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ये सब इन्वेंट्री में लो भाई। चलो चलो ये सब भी इन्वेंट्री में आन दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करो, ये 5 स्टैक्स करवा दो, और ये वाले 5 स्टैक्स करवा लेता हूँ, ज़्यादा फिल नहीं करवा रहा, 5 5 एटलीस्ट करवा लेता हूँ दोनों के दोनों। और मैका के अंदर फुल ये फिल कर देते हैं ताकि अपने पास यू नो पावर वगैरह स्टोर होती रहे। फटाफट से ये सब भी मेरे को गैदर करने का, थोड़ा सा फ्यूल वगैरह, क्योंकि एक अटैक तो भी होने वाला है अपने ऊपर जस्ट थोड़ी देर में, 86% हो चुका है, लेट्स गो। ये सब मैंने गैदर करने के लिए डाल दिया एडवांस में। तो चलो भाई यहाँ पे अपने पास रिसर्च होने स्टार्ट हो चुकी है, जो कि मैंने लगाया था एम्यूनेशन की रिसर्च जो थी ना अपनी एम्यूनेशन वाली, जिससे कि अपनी एमओ अनलॉक हो जाएगी और अपन फिर फाइट कर पाएंगे थोड़ी सी। लेट्स गो, 88% भाई, ये तो बहुत फास्ट जा रहा है, क्या हम लोग कर पाएंगे। ओ माय गॉड, 89 हो गया भाई, आई थिंक रिसर्च अपनी अनलॉक हो जाएगी, बस मेरे को थोड़ा सा एमओ वगैरह वो सब भी बनाना पड़ेगा फटाफट से, ठीक है ना। और आई थिंक मैका के अंदर थोड़ी सी पावर की भी अपने को कमी पड़ेगी, तो ये सब फिल करवा देता हूँ मैं इसके अंदर। चलो भाई इतना सीन आई थिंक डन हो गया अपना, अभी फटाफट चलो भाई फटाफट फटाफट, 4 और 91% हो गया, ठीक है, ये मेरे को पहले करना चाहिए था यार, गलती से जो है मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। एक बार अपन थोड़ा सा फाइट लेने वाले अभी चल के, तो एक बार रिसर्च हो जाए फटाफट से, मेरे को ये सब भी कलेक्ट करने का यहाँ से। चलो भाई रिसर्च होने वाली, आई एम एक्साइटेड, तो पहली फाइट हमारी होने वाली है। तो पहले ना ये गेम सिर्फ फैक्ट्री बिल्डिंग गेम था, अभी इसके अंदर फाइट भी ऐड करिए तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा भी खेलने में, मज़ा भी आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफेंस सिस्टम है भाई गेम के अंदर। तो चलो भाई यहाँ पे रिसर्च अपनी हो चुकी है, फटाफट चलते हैं रेप्लिकेटर पे, और यहाँ पे जो एमओज है ना गाइस ये सब बनाने स्टार्ट करते हैं हम लोग। फटाफट बनाओ भाई ये सब एमओ बनाओ भाई फटाफट, जितनी ज़्यादा मैं बना सकता हूँ उतनी मैं बना रहा हूँ। और अपने पास यहाँ पर एक मशीन भी आई है जिसका नाम पता नहीं क्या है, नाम गोस ट्रेट, जो भी ट्रेट है भाई ये बना लेता हूँ, आई थिंक दो बना लेते हैं ट्रेट्स। तो यहाँ पे तो भाई बहुत टाइम लगेगा इन सबको सेट होने में, तो मेरे पास एमओ वगैरह तो आ चुका है गाइस, ठीक है, 99% और 100 होने वाला है। तो अपन यहाँ पे चलते हैं और मैका के अंदर जो एमओ लोड कर देते हैं, और इसको कर देते हैं एक्टिवेट, एक्टिवेट कर लेते हैं इसको, ठीक है, मतलब एक्टिवेट अभी ये। चलो भाई अभी डार्क फॉग अपने ऊपर अटैक करने वाला है, ठीक है, तो ये आने कहाँ से वाला है, यहाँ से कहीं से आ रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से ये सब आ चुके हैं, देख रहे हो ये सब एनिमीज आ चुके हैं जो कि अपने ऊपर अटैक करने वाले भी और अपनी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और अगर मैं मरा, ठीक है, तो गेम ख़त्म हो जाएगी वहीं पे, तो मेरे को नहीं मरना है भले फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाए अपनी, ये ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है ना, ये थोड़ी सी चीज़ें अपने को ध्यान रखने वाली है। तो 3 यूनिट्स आ रही यहाँ पर दिखा भी रहा है कि 3 यूनिट्स आ रही, कोई नहीं, अभी अपन अटैक मोड एक्टिवेट कर लेते हैं जेड दबा के, और इनके ऊपर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले उड़ा देता भाई मैंने, तो यहाँ पर पहुँचने से पहले ही ज़्यादा नहीं आए, स्टार्टिंग में 3 ही आए ना, ठीक है भाई। चलो भाई स्टार्टिंग में 3 आई, यार ये वाला कम है मेरे हिसाब से, मेरे को लगा यार थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से ना कॉम्बैक्ट मोड पे थोड़ा इंक्रीज भी करा था, मैक्स डेंसिटी जो 2x करी थी यार मैंने यहाँ पे, बाकी ठीक है। पावर फैक्टर, कॉम्बैक्ट फैक्टर, ग्रोथ स्पीड 100%, ठीक है, सेटिंग्स तो ठीक है सारा का सारा। मुझे लगा यहाँ पे मल्टीपल भी आएंगे, क्योंकि अपन ने वहाँ से डेंसिटी इंक्रीज करी है ना, शायद क्या पता कुछ टाइम बाद और भी यहाँ पे आने लगेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे ये सब अपन इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही फास्ट यहाँ से इंक्रीज भी होएगा, ये सब देख रहे हो अभी फटाफट होएगा इंक्रीज। तो चलो ठीक है, अभी ये अपना पहला था,
मतलब पहला अटैक था, ठीक है, जो कि अपने सक्सेसफुल कर लिया, तो फिलहाल कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में 3 आए थे, लेकिन अगली बार वो ज़्यादा आने वाली, और इस तरह से लेवल्स जो हर बार इंक्रीज होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा सेटअप करवा लेते हैं लैब्स वगैरह का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, और आई थिंक जे वाली जो लाइन थी ना अपनी, इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे अपन आगे एक साइड में। थोड़ा सा एटलीस्ट मैं लेके आता हूँ गाइस इसको ना यहाँ पे, और इसको एक काम करते हैं यहाँ से इधर लेते हैं, और फिर इसको भी इधर लेके आते हैं। तो चलो भाई, अब यहाँ पे चल के फाइनली यहाँ पे मैं लैब बनवा देता हूँ, जिसके अंदर अपन क्यूब्स वगैरह बनवाएंगे, ठीक है। तो ये जो लैब्स है इसके अंदर अपने सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रोड्यूस। ये जो लैब है ना दो चीज़ों में काम आएगी, एक तो क्यूब्स बनवाने में और दूसरा रिसर्च करने में। तो ये बनवाना है तो अपने को ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे भेजने होंगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, और भाई इसके अंदर दोनों ही प्रोडक्ट की एंट्री करवा देते हैं हम लोग। और इसको भी चाहिए गाइस पावर, तो पावर तो भाई सबको चाहिए। चलो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये कनेक्टेड है क्या वहाँ से? नहीं है। लैक ऑफ आइटम, ओके भाई ये बना दो मेरे को। ओ भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है भाई। वो नहीं कनेक्टेड है ये वाला, अच्छा इस साइड से कनेक्ट हो गया, ओके नाइस, नॉट बैड गाइस, नॉट बैड। तो यहाँ पे जो कंजप्शन है ना गाइस, वो और मतलब जनरेशन कैपेसिटी 330 है, और कंजप्शन डिमांड जो ज़्यादा है अपनी, तो अपने को थोड़ा सा ना पावर भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे साइड में ही जितना भी एरिया पड़ा हुआ ना अपने पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करवा देता हूँ मैं चल के, इधर भी करवा देते हैं। नेक्स्ट चलते मे बी यहाँ पे नहीं करवा सकते क्या मैं? अच्छा विंटर वाइन ख़त्म हो गई मेरे पास, थोड़ी सी और बनवा दो भाई जितनी भी है मेरे पास, ठीक है। आई थिंक मैग्नेटिक कोइल चाहिए इसको, ठीक है बाय। मेरे को और रिसोर्सेज इसके अंदर क्या चाहिए? आई थिंक ये वाला चाहिए था ना, हाँ ठीक है। ये सब कलेक्ट करो भाई, यहाँ से एमओ वगैरह बनती है ना अपनी, तो ये सारी एमओ एटलीस्ट मैं लोड करवा लेता हूँ अपने इधर। चलो अच्छा सीन हो गया ना। अभी नेक्स्ट क्या करने का है अपने को, दोबारा रिसर्च पे चलते हैं और रिसर्च फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे चल के। तो नेक्स्ट रिसर्च जो अपने को करने की गाइस, वो देखता हूँ मैं क्या है, क्या ये करना चाहिए अपने को। यहाँ पे अपने को स्प्लिटर भी मिल जाएगा गाइस, ठीक है ना, यहाँ पे स्प्लिटर पड़ा हुआ है अगर अपन ये करवाएंगे तो। इसके लिए 100 चाहिए अपने को, बाकी ये सब के लिए भी 100 चाहिए, ठीक है। नहीं ये भी नहीं चाहिए मेरे को, थर्मल पावर अभी नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, अभी जे वाला भी नहीं चाहिए अपने को। हाँ ये करवा लेते, फिर इससे ना रिसर्च वगैरह करवा सकता हूँ मैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। तो 50 अपने को चाहिए, ठीक है भाई। और इंजन भी अपन बनवा लेते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टास्क है जो मेरे को करने का है, लेट्स गो। अभी यहाँ पे प्रोडक्शन जो है गाइस अपन थोड़ा फास्ट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे सीन हुआ क्या है कि ये वाली फैसिलिटी के अंदर ना होल्ड हो गया, 10 बन के होल्ड हो चुका है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, एक और लैब बनवा देते हैं अपन इसके साइड में, जो कि अपन सेट करेंगे रिसर्च पे। और ये बनाने के लिए मेरे को फिर से कोइल चाहिए, और कोइल्स अपने पास यहाँ पे, तो मैं कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कंट्रोल क्लिक करके और जो है यहाँ से गैदर कर सकता हूँ रिसोर्सेज, ठीक है। किसी बेल्ट के ऊपर कंट्रोल क्लिक करूँगा तो रिसोर्सेज गैदर कर सकते हैं हम लोग, तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है यहाँ पे। लेट्स गो, वन लैब और बनवा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लैब बनवा देता हूँ मैं, चलो लेट्स गो, देखी जाएगी। 6 लैब मैंने यहाँ पे बनवा दिए, और इन सबको चलने के लिए भाई पावर भी चाहिए रहेंगी। ओके एक काम कर, इतने मेरे को दे दे तू, यहाँ से एटलीस्ट रिसर्च अपनी चलती रहेगी, बाकी मेन वाइल वो चलेगा। तो यहाँ पे चल के हम लोग थोड़ा इंक्रीज़ करवा देते हैं मे बी पावर। पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बिना पावर के कुछ नहीं होएगा भाई, पावर तो चाहिए ही चाहिए कुछ भी करके। तो जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस मेरे को दिखेगा मैं पावर पोल मतलब ये विंड टरबाइन जो बनवाता रहूँगा। आगे चल के और भी बहुत सारे ऑप्शन अपने पास आएंगे उन पावर इंक्रीज करने के। चलो ठीक है भाई, 3 है ना मेरे पास। अच्छा पानी के ऊपर नहीं बना सकते हम लोग, इधर पानी के ऊपर भी हम बना पाएंगे अगर अपने रिसर्च वगैरह कर लेना, तो उसके बाद अपन पानी के ऊपर ही बना सकते हैं। तो फिर मेरे को ये यहाँ पे डलवाना पड़ेगा एटलीस्ट। चलो भाई लेट्स गो, बिल्ड मोड से बाहर निकल जाते हैं। तो कुछ रेंज रहती है जितनी दूर से अपन ना क्लिक करके रिसोर्सेज निकाल सकते हैं दूसरे के अंदर से। तो चलो यहाँ से अपनी फिर से रिसर्च स्टार्ट हो चुकी है। अभी मेरे को ना ये डबल करवाने का है, यहाँ से अपन बहुत फास्ट प्रोडक्शन अभी करवाने वाले हैं। ओ नाइस, लैब बन के रेडी गाइज अपने पास। तो नेक्स्ट प्लान क्या है अपना कि इसको ना मैं इसके पीछे बनवा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे इसके पीछे थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, या फिर गैप ना देंगे तो भी चलेगा क्या? मैंने मेरे को ट्राई करके देखना पड़ेगा भाई। इसके अंदर से इसके अंदर नहीं, टू क्लोज, ठीक है, कुछ ज़्यादा क्लोज हो गया ये, इतना ज़्यादा क्लोज भी नहीं जाना है भाई अपने को, एटलीस्ट एक गैप देना पड़ेगा, ठीक है भाई लेट्स गो। अभी यहाँ पे सीन क्या करने वाले हम लोग, इसके ऊपर चलेंगे और इसको सेट करेंगे रिसर्च पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से सीधा क्यूब इसके अंदर अपन भेजेंगे, तो अपने को इन्वेंट्री में लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये लो भाई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी क्यूब्स बनेंगे सीधे जाएंगे और रिसर्च यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगी अपनी।
एक सेकेंड, अच्छा पावर ही नहीं है इधर, ठीक है भाई, तो पावर भी देनी पड़ेगी भाई इसको, पावर चाहिए भाई सबको, लेट्स गो वन हियर। चलो गाइस यहाँ पे रिसर्च अपनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ये वाली मशीन स्टार्ट हो चुकी है अपनी, और यहाँ पे आई थिंक 24-23 इस तरह से कम होते हुए आएगा भैया, 22, यस नाइस। तो चलो ये बढ़िया सीन हो गया ना यहाँ पे, और 6 ये एकदम मस्त चल रहा है ना, और यहाँ पे भी रिसर्च वगैरह अपनी चल रही है, बढ़िया। अभी नेक्स्ट अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन और ज़्यादा करवाना है अपने को, तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, इस मशीन के ऊपर जाएंगे वापस से, और इसके ऊपर भी अपन बना सकते हैं, इसको डबल डबल कर देंगे, तो अपने को इस तरह से और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर की तरफ भी अपन बना सकते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये चीज़ काम करेगी, अगर अपन असम्बलर के ऊपर ट्राई करेंगे तो नहीं बनेगा वो, जैसे स्मेल्टर के ऊपर अगर मैं ट्राई करूँगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, मशीनों के ऊपर नहीं बनेगा। कुछ एक चीज़ होती है जिनके ऊपर अपन स्टैक कर सकते हैं चीज़ों को, तो उसके अंदर ये वाला फीचर भी है, तो ये काफ़ी औसम है। तो यहाँ से अपन इनके अंदर रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मे भी इसको मैं डबल कर देता हूँ ताकि फुल रफ्तार से जो है ट्रांसपोर्ट हो जाए भाई रिसोर्सेज अपना, ठीक है ना, यहाँ पे होल्ड ना हो। तो चलो भाई नेक्स्ट रिसर्च ऑल्सो अपनी हो चुकी है, इसके बाद में अपने क्या करने का था, ये वाले था, ठीक है, थोड़ा सा और क्यों में लगा देता ना यहाँ पे चल के, ऐसा करता। तो नेक्स्ट अपने को क्या करने का है, इधर क्या है भाई, ये नहीं, ये नहीं चाहिए अभी, तो धीरे धीरे करके ना तो ये सभी करवा लेंगे ना अपन, उसमें कोई सीन नहीं है। लेट्स सी, इसको भी क्यों में डालो भाई, नेक्स्ट क्या है, स्टील, इसको भी क्यों में डाल दो, ये सब क्यों में डाल दो अब तो, ठीक है, ये सब के सब क्यों में डाल देता हूँ, अब इन सब की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। लेट्स गो गाइस, क्यों ये सब डाल दो भाई, क्यों, अच्छा क्यों फ्यूल हो गया, हाँ मैंने काफ़ी सारे डलवा दिए, 7 डलवा दिए मैंने क्यों के अंदर, तो जैसे जैसे बनेगा अपना यहाँ पर रिसर्च वगैरह होती जाएगी। चलो अभी मेरे को एक बार किसी पे क्लिक करके देख लेता हूँ, यहाँ पे होल्ड हो रहा है क्या, 9-10 यस, और यहाँ पे हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब स्लो चल रहा है ना अपना रिसर्च, तो इसको और ज़्यादा करवाऊँ है ना, एक सेकेंड और करवा सकते स्टैक या लेट्स को, तो अपन फिलहाल तो 3 ही करवा सकते हैं स्टैक्स, क्योंकि इससे ज़्यादा करवाएंगे तो अपने को फिर चाहिए गाइज रिसर्च, और भी ज़्यादा अपन ऊपर तक लेके जा सकते हैं इसको हाइट तक, तो उन सबके लिए रिसर्च लगेंगी जो कि अपन करवा लेंगे आगे चल के। चलो भाई अब यहाँ से अपना रिसर्च का एटलीस्ट थोड़ा फास्ट होना चाहिए ओके अब मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी फास्ट यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो तीनों ही बेल्ट निकालता हूँ इसके अंदर से, फुल फास्ट रिसोर्स से जाना चाहिए भाई दूसरी साइड में। तो यहाँ से देख रहे हो फुल रफ्तार से अभी अपने रिसर्च होना जो है स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे जितना भी अपन बना रहे हैं एटलीस्ट वो सार उधर जा रहा है और जाके रिसर्च हो जा रही है। 3 मशीन यहाँ पे अपनी, तो 3 ही अपोजिट साइड में, ऊपर वाली के अंदर तो इवन रिसोर्सेज भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, और वो कौन सा वाला नहीं पहुँच पा रहा है उसके ऊपर अपन क्लिक करके देख सकते हैं, मे बी सेकेंड वाला लाइन, राइट, तो सेकेंड वाली लाइन को अपन डबल कर देंगे यहाँ से एंड से पकड़ के, सॉरी यहाँ से, ठीक है, 3 पोर्ट रहते हैं मशीन के अंदर, ताकि यहाँ से ये वाला डबल रफ्तार से जाएगा ये एटलीस्ट सिंगल से, क्योंकि पास में भी है तो फटाफट फिल कर देता है, और इसको टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में, आने जाने में, ठीक है ना। इसके ऊपर भी एक लाइन है जो लेके जाती बार बार, मतलब कि कन्वेयर है जो इसका, ठीक है, तो ये लो भाई थोड़ा सा रफ्तार मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ करवाया, तो अभी फुल रफ्तार से यहाँ पे अपनी जो रिसर्च स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे कुछ एक रिसर्च होएंगे ना धीरे धीरे बहुत फास्ट इंक्रीज़ होने लगेगा। अब भी अपने को भले ही थोड़ा ऐसा लगा कि भाई ये क्या तीन ही बोट्स आए थे अटैक करने के लिए, यूँ समझ लो ये तो जस्ट स्टार्टिंग था, आगे आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है गेम के अंदर, तो अभी अपन चल के ना ये सबको भी थोड़ा एक्सपेंड करवाएंगे। तो नेक्स्ट अपने पास क्या क्या है, जैसे कि अपन ने जो ऑटोमेशन है ना गाइस इसका करवा लिया है, सर्किट बोर्ड का भी अपन ने ऑटोमेशन करवा ही लिया है समझ लो, बाकी देखा जाए तो सर्किट बोर्ड थोड़े से अपन स्टोर भी करवा लेते हैं, क्योंकि अपन कुछ भी रिसोर्सेज बनाते हैं ना तो बार बार अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसके अंदर थोड़े से सर्किट बोर्ड एटलीस्ट 4 स्टैक्स में स्टोर करवा लेता हूँ, ताकि अपने को ज़रूरत पड़ेगी तुरंत अपन यहाँ से निकाल लेंगे रिसोर्सेज, तो मस्त हो जाएगा अपने मतलब रेप्लिकेटर में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। तो चलो यहाँ पे ये स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस चाहे तो अपन ये भी स्टोर करवा सकते हैं थोड़े से, जिसके अंदर जो स्टोर आएगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आइकन भी आ जाता है, तो ये अच्छी बात है। तो ये लो गाइस यहाँ पे आई थिंक अपना बेसिक सा जो है सेटअप हो गया है, अभी ऐसे ही करके धीरे धीरे इन सब का भी करवाना है ऑटोमेशन वगैरह वो सब। अभी नेक्स्ट आई थिंक मैं सोच रहा हूँ यार गियर्स का करवा लेता हूँ, क्योंकि हर जगह ना गियर्स की ज़रूरत पड़ रही है। सर्किट बोर्ड तो फिर भी अपन यहाँ से उठा लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके सर्किट बोर्ड उठा लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, बट गियर्स का सीन है अभी। तो चलो भाई लास्ट टास्क जो अपन आज के वीडियो में करने वाले हुए गियर्स गाइस, तो गियर सीधा ही आयरन इंगट से बन जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं अपने को। आई थिंक गाइस गियर्स का सेटअप मैं इस साइड में करवा लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक अपने पास स्प्लिटर आ चुका है ना गाइस, अभी तो स्प्लिटर आ चुके अपने पास, लेट्स गो। तो इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग यहाँ से, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर चल के अगर मैं सीधा यहाँ से बना के यहाँ पर निकाल दूँ तो क्या ऑटोमेटिकली बन जाएगा, नहीं ऑटोमेटिकली तो नहीं बनेगा। ओके तो मेरे को थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा गाइस फिर पीछे तक, यार मुझे लगा था ये बन जाएगा मे बी, बट ठीक है अब नहीं बना तो, बट ऐसा होना चाहिए लाइन के ऊपर बन जाता है वैसे बाय द वे,
ठीक है भाई, आ जाओ भाई। ये लोग इस मैंने यहाँ पे स्प्लिटर डाल दिया जो कि स्प्लिट कर देगा ना यहाँ पे दोनों चीज़ों को फटाफट से। ऑल्सो फिर मेरे को स्प्लिटर यार यहाँ पे चाहिए, तो मेरे को एक स्प्लिटर और चाहिए भाई। क्या बना दोगे अभी इसके अंदर? अपन ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ये वाला बनाएगा, जो भी लिस्ट है ना अपनी पहले कंप्लीट होएगी फिर दूसरा नंबर आएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे चलते हैं। और अपने पास स्मेल्टर्स का भी पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसके लिए अलग से एक लाइन नहीं निकाल लूँगा, इसी के अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं अपने को, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे रिसोर्सेज की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना इन मशीनों को थोड़ा एक्सपेंड करवा दे, मतलब इंक्रीज करवा देते हैं। तो सीधा शिफ्ट क्लिक इंक्रीज डन सीन पर्पल, और मे बी इन सबको मैं थोड़ा थोड़ा आगे तक ले आता हूँ। गलत बिल्डिंग ले आया भाई मैं, ये असेंबलर चाहिए भाई, असेंबलर में बनते गियर, ठीक है असेंबलर में गियर बनेंगे। तो लेट्स गो, यहाँ से इसके अंदर चलते और यहाँ से बाहर चलो भाई। यहाँ पे गाइस गियर्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने को मस्त गियर्स बन जाएंगे अपने। आ जा भाई जरा, और नाइस फाइनली आ चुका है मेरे पास। यार ये वाला सीन मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, चलो भाई अब हाफ हाफ चला जाएगा दोनों साइड। ये लेट्स गो, इधर भी जाएगा और यहाँ से अपने गियर्स बनना स्टार्ट। नाइस, गियर्स बन के यहाँ पे आ जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पे भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है ना, तो अभी इसको भी और फास्ट करवाएंगे। जैसे अभी देख रहे हो अपनी लाइन ये सही से यूज नहीं हो पा रही है, और ये वाली लाइन सही से यूज हो पा रही है मतलब अपनी, तो इसको इंक्रीज करवा देते थोड़ा सा यहाँ से। क्या लैक ऑफ आइटम? अच्छा मेरे पास यही नहीं है, ठीक है बनाओ भाई, ये थोड़े से बनाओ 24 बनाओ और मेरे को चाहिए यहाँ से रिसोर्सेज और ज़्यादा बनवाओ भाई। ये इन्वेंट्री में एटलीस्ट पट के रखता हूँ मैं इनको, बनवा बनवा के। चलो एक दो और यहाँ पे तीन, थोड़ा प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ करवा दिया है। ऑल्सो इसका भी प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज़ करवा देता हूँ 1, 2 और 3। और मे बी पावर का क्या सीन है भाई? पावर भी अपनी पहुँची गई 7 पॉइंट समथिंग चली गई है, तो मेरे को और ज़्यादा पावर जो इंक्रीज़ करवानी पड़ेगी। अभी पावर की साइड में इंक्रीज़ करवाऊँ मैं, जगह भी थोड़ी सी कमी लग रही है इस मेरे को। मैं सोच रहा हूँ ये साइड साइड से लेके जाता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत ही आएगी अपने को। ओ नो, अच्छा विंटर वाइन्स अपनी बन रही हैं अभी। अच्छा मैंने डाली थी विंटर वाइन, ओके ये लो 25-30 बनवा दी भाई मैंने गियर सारे उड़ा दिए सोच लो। लेट्स गो, और मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस 28% ठीक है, मतलब चल जाएगा मतलब सीन है ना अभी के लिए। तो अभी यहाँ पे अपने पास किस चीज़ की कमी आ रही है वो देखना है मेरे को। अपने पास आई थिंक कमी आ रही थोड़ी सी शायद से इनकी, है ना, क्योंकि आगे से थोड़ा मेरे को लग रहा है रिसोर्सेज कम आ रहा है गाइस। तो ये सब भी थोड़ा सा एक्सपेंड करवा देते हैं। लैक ऑफ आइटम, अच्छा स्मेल्टर नहीं है मेरे पास, तो ये सब भी ऑटोमेशन अपने को गाइस जल्दी करवाना पड़ेगा। देखो कुछ ना कुछ रहता नहीं अपने पास कभी कभी, तो ये सब बनवाना है मेरे को फटाफट से, ये सब बनवाता हूँ मैं फिर मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ पे अपना रिसोर्सेज बन के रेडी भी हो चुके हैं, और मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा एमओ वगैरह और ये सब भी डाल दिया ताकि यहाँ पे बनता रहेगा। तो अभी चलते अपन यहाँ पे इसका ना प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज़ करवा देते हैं। तो सिंपल अपने को यहाँ पे इंक्रीज़ करने का, और यहाँ पे अपना हो जाएगा सिंपल सा सेटअप। ये लगाए कुछ एक मशीन मैंने यहाँ पे बनवा दिया, ठीक है ना, अभी यहाँ पे एकदम मस्त प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। और इधर के लिए इंसर्टर गया है, ठीक है चलो ये बनवा देते हैं। तो अभी यहाँ से भी प्रोडक्शन अपना फास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सभी मशीनों के अंदर जो पहुँच पाएगा फटाफट से, और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट बनना जो स्टार्ट हो जाएंगे। और जस्ट मैंने थोड़ी देर में ये सब विंटर बैंस भी थोड़ी इंक्रीज़ करवा दी। अभी जो अपनी कैपेसिटी है पावर की वो 11.4 मेगावाट तक जा चुकी है, और अपना कंजप्शन 8, 8.5 या मैक्स 9 तक जा रहा है बस। तो मतलब ये देखना रहेगा अपने को, 100% एफिशिएंसी अपनी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इनको ना थोड़ा बहुत ही टाइम लग रहा है मतलब इन होने में, तो ऐसा करते हैं इसके ऊपर चलते हैं, या फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपग्रेड टूल, और इसको अपग्रेड करवा देता हूँ मैं सेकेंड वाले को, ताकि थोड़ा फास्ट रिसोर्सेज जो अंदर चला जाए, ठीक है चल जाएगा मे बी। एंड ऑल्सो इसको भी अपग्रेड करवाते हैं सेकेंड वाले को, इसको भी और इसको भी। अच्छा अपने पास है नहीं सेकेंड वाला, ठीक है तो अभी अपन ये वाला भी बनवा सकते हैं। तो इसको बनवाने के लिए पता है तुमको क्या करना पड़ेगा? एक तो पहले वाली 2 चाहिए, और उसके साथ साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर भी चाहिए, तब जाके ये बनेगा। तो थोड़े से ये भी बनवा लेता हूँ मैं। तो ये देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम लगता है इन सबको बनाने में, तो इन सब का भी ऑटोमेशन अपने को करना पड़ेगा फटाफट, तो वो सब भी अपन कर लेंगे नो प्रॉब्लम। फिलहाल मैं जा रहा हूँ यार एमओ का थोड़ा सा ऑटोमेशन करवा देता हूँ यहाँ पे। तो एमओ को ऑटोमेशन करवाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा कि एक तो अपने को यहाँ पे फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, कि क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ? ओह नाइस, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। इसके अंदर चल के अपन सेट कर लेते हैं गाइस एमओ, और यहाँ से अपन करवा देते सिंपल इन, ठीक है इधर से, और सीधा स्टोरेज के अंदर आउट करेंगे इसको। यहाँ पर स्टोरेज बनवाएंगे हम लोग, और इसके अंदर बाहर निकाल लेंगे रिसोर्सेज डन सीन। तो यहाँ पे आके जो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं यहाँ पे काफ़ी सारी एमओ जो बनवा लेता हूँ, ताकि मेरे को ना ये बार बार एट लिस्ट रेप्लिकेटर से ना बनवानी पड़े जैसे कि मैं यहाँ पे बनवा रहा हूँ। तो अपने पास एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑलवेज रहेगा एमओ,
चलो भाई ये तो काम अपना ज़बरदस्त हो जाएगा। खैर अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपनी ये रिसर्च कंप्लीट करवा लेते हैं, इतने अपना जो थ्रेट है वो 50 पे पहुंच जाएगा, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तो बेसिक सा जो अपना आज स्टार्ट हो चुका है यूँ समझ लो, ठीक है ना, ये अपना थोड़ा सा बेसिक जो है गेम स्टार्ट हो गया। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा सही से, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा एज ए ट्यूटोरियल भी आज ट्राई करा है ताकि सबको थोड़ा समझ में आए कि हाँ भाई चल क्या रहा है गेम के अंदर वो सारा का सारा सीन, नहीं तो फिर बाद में ऐसा बोलते हैं भाई मामे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो वो सब सीन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेट करा है। तो चलो भाई देखते हैं, अभी तो बस अब मेरे को नेक्स्ट क्या करने का कि यहाँ पे चल के ना वो करने का था, ये वाली मशीनें बनवाने की थी, तो इन सबको बनने में थोड़ा सा टाइम है। काम करो तुम, कैंसिल हो जाओ सारे के सारे, कुछ एक बनवाने के थे मेरे को यार, टेस्ट लिस्ट यार तुम बनवा दो, 9-10 बनवा दो भाई, देखी जाएगी। अब ये सब बनवा लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हो प्रोडक्ट थोड़ा कम निकल रहा है अपना, इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ करवाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। और आई थिंक ये जो बाकी वीन्स है ना इनके अंदर भी सिलेक्ट कर देते हैं। चलो यहाँ पे एक मशीन और डाल दी मैंने, और इसके अंदर भी अपन चलते हैं। इधर से मैं इसको लेके जाता हूँ कम्प्लीट, आई थिंक यहाँ से घुमा कर आके, और इसके अंदर जाते वक्त अपने को कुछ स्प्लिटर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपन देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे भी जो रिसोर्सेज चला ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो भाई 12 और अपने क्यूब्स देने, फिर अपनी ये रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। चलो भाई यहाँ से अपने पास ना फास्ट रफ्तार से अभी रिसोर्सेज आना स्टार्ट हो चुका है, तो आई थिंक 6 मशीनें आई थिंक सही से हैंडल कर पा रही है मिलके, एक 60 ले रही हैं तो 360 हो गया, और ये वाली जो लाइन अपनी 360 लेके जा सकती है। अगर मैं तुमको दिखाऊं कैलकुलेशन थोड़ा सा, तो ये फर्स्ट वाली मशीन जो 6 पर सेकंड लेके जा सकती है, मतलब 360, ठीक है, अभी मतलब एकदम एंड तक पहुंच सकता है यहाँ पे रिसोर्सेज, कोई प्रॉब्लम अपने को आएगी नहीं यहाँ पे। तो चलो गाइज आई थिंक आज के एपिसोड को अपन इधर ही एंड कर लेते हैं, और ये रिसर्च वगैरह कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट वाले एपिसोड में, और अपन आगे भी एक्सपेंड करेंगे बाकी के रिसोर्सेज का जो ऑटोमेशन वगैरह वो सब करवाएंगे, जैसे यहाँ पे गियर्स वगैरह भी अपने बनने स्टार्ट हो चुके हैं, और अपनी इन्वेंट्री भी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है भाई। एक काम करते हैं, ये सारा मैका के अंदर डाल देता हूँ, आलतू फालतू का रिसोर्सेज, तो ये सब अपने को थोड़ा सा खाली रखना पड़ेगा, बाद में इन्वेंट्री बना के उसके अंदर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी अपन फिल कर सकते हैं। जैसे स्टोरेज है, स्टोरेज के ऊपर स्टोरेज में डाल सकता हूँ, ओके, स्टोरेज के ऊपर स्टोरेज अपन बना सकते हैं, तो अपन ज़्यादा स्टोर करवा सकते हैं। तो अभी उस समय ये देख रहे हो फर्स्ट रफ्तार से जो चलना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, अभी फुल रफ्तार से अपनी रिसर्च वगैरह होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपना थर्मल पावर का भी रिसर्च हो चुका है, ओ भाई जबरदस्त। तो पावर के लिए नया ऑप्शन अपने पास आ चुका है यहाँ पे, इसको अपने को कॉल वगैरह देना पड़ता है शायद चलाने के लिए, तो वो सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। आई होप सो कि आज का एपिसोड तुमको पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों का शेयर, और मैं मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।